मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा प्यारी मम्मी। Really? हाँ। प्यारी मम्मी, और कितने सारे मम्मी हैं आपके? मेरी एक ही मम्मी है, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी है, आप सब दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे, ठीक है? नहीं, मेरी हर बात मानते हो, ठीक है? नहीं, हाँ मानते हो। हाँ। लेकिन नेल खाना बंद नहीं करते है ना? कितना भी बोलू, कितना भी डांटू, नेल खाना बंद करो तो वो तो मानेगी नहीं। तो प्यारी कैसे मिली? देखो कैसे पेड़ा मुड़ा बना रही। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया है अभी। अरे अभी तो रात नहीं हुई है। ओफो, शाम तो हुई है ना? शाम का अभी शाम के बज रहे हैं 5। और हम लोग बैठे बैठे थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, मतलब कुल्लू टीवी देख रही थी। और मैं क्या कर रही थी मम्मा? आप एडिट कर रही थी। एडिट कर रही थी। तो चलिए, और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और मेरी कुल्लू की आज थी एग्जाम। कौन सा एग्जाम था मम्मा? हिंदी एग्जाम। आपने ठीक ठीक लिखा सब? चलिए, और कल जैसे कुलू पढ़ रहे, थोड़ा पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कल ब्लॉग कुलू का एक डांस अपलोड किया था आज मैंने। और वो डांस कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है मम्मा? और नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगा तो और अच्छे से डांस करिए। डांस करोगे अच्छे से? देखो मेरा हेयर कैसे हो गया, पूरा खराब कर दिए। तो और अभी आज मतलब स्कूल जाना पड़ा था आज मुझे आफ्टरनून को, क्योंकि जैसे कुल्लू का एग्जाम था तो हाफ डे में छुट्टी होने वाला था। तो हाफ डे जिस दिन होता है, हाफ डे मतलब क्या, एग्जाम के टाइम अलग अलग छोड़। देखिए कैसे हो रही है मामा, थोड़ा ये लेके आओ, तो कॉम लेके आओ। तो जैसे 10:30-11 बजे छुट्टी हो जाता है, आधा आधा घंटा गैप करके छुट्टी होता है, मतलब प्राइमरी सेक्शन कितने बजे, मतलब हाफ डे पे छुट्टी हुआ था, उसके आधे घंटे बाद बड़े बच्चों का छुट्टी हुआ था। तो एग्जाम के टाइम पेरेंट्स को बिना देख के नहीं छोड़ते बच्चों को, तो आज मुझे जाना पड़ा था स्कूल। और स्कूल से आए 1 बज गया, मैं गई थी 9 बजे, क्योंकि काफी दूर है कुल्लू का स्कूल। तो घर आता थे 1 बज गया था, और मैंने मतलब जल्दी जल्दी में खाना बना बनाया, और खाना बना बना के कपड़े सारे धोने थे, बहुत सारे थे अभी, मतलब ज्यादा हो गए थे, जैसे बारिश हुआ था तो मैंने कपड़ा धोया नहीं था, तो इसी वजह से ज्यादा कपड़े हो गए थे, तो आज मैंने धो लिया है। और कल के जो कपड़े थे वो सूख गए हैं, तो मैंने उठा के लेके आके इधर रखे, अभी तक कुछ की नहीं, फोटो वगैरह करूंगी। और आज काफी काम था, और काफी काम है भी, जैसे कि अभी 5 बज चुके हैं, फिर इवनिंग वाला रूटीन जो है वो करना पड़ेगा। अभी आधा घंटा मैंने बैठ के 1 घंटा मैंने एडिट वगैरह कर लिया था, तो अभी 5:30-5 बज चुके हैं, और मुझे बाकी का काम करना है। तो आज दिन में ब्लॉग में बना ली मैं, इसलिए सोचे कि कभी बना ली। तो जैसे मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ आ जाती है, नौटंकी दिखा लें। तो चलिए फिर, और ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मेरे हेयर कैसे खराब करके, मैं इसको थोड़ा ये करूंगी, कॉम करूंगी, उसके बाद इवनिंग वाला रूटीन स्टार्ट करूंगी। चलिए फिर कर लेते हैं काम, फिर काम के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। Thank you.
अभी मेरी सारी जो इवनिंग वाली रूटीन है वो सारी खत्म कर ली है, पूजा वगैरह कर लिया है। रात की डिनर आज कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने आज जैसे कि दोपहर को लेट से लंच बनाया था, तो सब्जी वगैरह मैंने आज मतलब एक साथ ही बना लिया था और सिर्फ रोटी बनानी है जो कि मैंने आटा गूंथ लिया है। और आज मैं कुछ मॉर्निंग की सब्जी लेके आई थी, मतलब जैसे स्कूल जाना था तो मैं घर पर सब्जी भी खत्म हो गई थी तो सब्जी लेके आ गई थी और लेके आई थी, लेकिन जैसे कि तैसे रख के भी चली गई थी स्कूल। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सब्जी लिया है और सब्जी मतलब मैं फ्रिज में कैसे स्टोर करती हूँ। सबसे पहले तो उसको अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद मैं कैसे स्टोर करती हूँ मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे कि मैंने धो के अब थोड़ी सी मतलब पानी सूख जाने के लिए रख दिया है। और आज जल्दी जल्दी काम खत्म क्यों करना है और जल्दी मैंने एक साथ क्यों खाना बनाया था, क्योंकि आज जो है मतलब डॉक्टर के पास जाना है थोड़ा कुल्लू को लेके, तो आज एक एग्जाम आज तो भूल गया है और 6 तारीख को और एक है, तो 6 तारीख तो गैप है और उसका वैक्सीन मतलब बहुत डिले हो चुका है, तो एक हफ्ता सारा डिले हो चुका है, तो एग्जाम की वजह से और बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो अभी एक हफ्ता जैसे घर में रहेगी तो तबीयत वगैरह अगर पता नहीं कभी कभी खराब हो जाती है इसके बाद, तो अगर होगी तो एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, इसीलिए आज उसको लेके जाना है तो मतलब डॉक्टर के पास ही टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने रात के लिए डिनर आफ्टरनून को ही एक साथ बना लिया था। सिर्फ रोटी बनानी है जो कि 5-10 मिनट के अंदर हो ही जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी खाना बना लिया और बाकी काम भी सारे जल्दी जल्दी कर रही हूँ जितने सारे काम थे। और चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज मार्केट से क्या क्या सब्जी लेके आई थी। और एक बार बता दूँ हमारे घर की मार्केटिंग वगैरह मैं ही करती हूँ, सब्जी मैं ही करती हूँ, एक्चुअली मैं ही करती हूँ, फिश मटन मतलब नॉन वेज हो या वेज हो कुछ लेना है सब्जी वगैरह की सब्जी का सब्जी जैसे कुछ भी घर का हो तो मुझे ही करना पड़ता है, मतलब आदत सी हो गई है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आज सब्जी में क्या क्या लेके आई हूँ, जैसे कल सैटरडे है तो थोड़ा बहुत लेके आई हूँ आज के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी, अभी तक इसका पानी सूखा नहीं है तो उसको कपड़े से सारा पोंछ लूंगी। मैंने सब्जी में क्या लिया था, ये पका पपैया लिया था मैंने, ऐसे ही मॉर्निंग को मतलब ब्रेकफास्ट में खाने के लिए पपैया अच्छा होता है तो कभी कभी ले आती हूँ। और सब्जी में मैंने यहाँ पे लिया है कुंदरू लिया है, और यहाँ पे लिया है तुरई, और यहाँ पे दो छोटे छोटे पपैया है, लेकिन ये ऐसे येलो दिख रहे हैं लेकिन ये येलो मतलब पके नहीं है, कच्चे हैं, कच्चे दो पपैया सब्जी के। और यहाँ पे मैंने ये दो तरह के बैंगन लिया है, एक ये वाले बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं एकदम से, तो ये वाले बैंगन मैंने दो लिया है। और ये वाले बैंगन मैंने 3 लिया है, क्योंकि ये जो बैंगन होते हैं ये बैंगन एक्चुअली बैंगन तो बैंगन ही होता है, लेकिन ये जो बैंगन है इसमें अच्छा कुछ मतलब कुछ अच्छा बनाऊंगी, अलग बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ। आपको दिखाऊंगी मैं जिस दिन बनाऊंगी ये, और जो भी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पक्का। और कुछ नहीं बस, और ये कुंदरू है और ये है तुरई, और मैंने यहाँ पे एक लिया था फूल गोभी जो कि है, इसको मैंने धोना नहीं पड़ता, लोग धोएंगे तो खराब हो जाएगा, तो उसको तो ऐसे ही रखना है पॉलिथीन में रैप करके, तो
इसको ऐसे ही रख दिया था और बाकी मैंने सारे सब्जी और ये जो पक्का पपैया है इसको साथ मिला के सब धो लिया है। फ्रिज में सब्जी वगैरह कैसे स्टोर करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। जैसे कुछ सब्जियां होती है फ्रिज में रखेंगे ना आप तो भी खराब हो जाती है, तो मैं सब्जी कैसे रखती हूँ, कुछ सब्जियों को जैसे खराब हो जाते हैं तो उन सब्जियों को मैं कैसे रखती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। और जैसे कि ये जो तुरई वगैरह है, ये जो तुरई है इसको ना लेके आएंगे, कितना भी फ्रेश लेके आए आप तो अगर फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 दिन अगर हो जाए ना तो ये जो है ना यहाँ का ये वाला ये तो टूट गया है, ओके मैं दूसरा, ये जो है ना इस मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब थोड़े सूख जाते हैं, सूख के एकदम पतले हो जाते हैं। और जब हम लोग मतलब जिस दिन सब्जी लेके आएंगे उस दिन तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिस दिन लेके आएंगे उसी दिन हम लोग बना लेते हैं, 1-2 दिन तो रह ही जाता है क्योंकि बहुत सारे सब्जी होते हैं तो 2 दिन के बाद सब कुछ निकालेंगे ना। तो मैंने तो नोटिस की है कि ये जो होता है इस साइड के थोड़े से यहाँ तक आधा सूख जाता है, तो अगर ये सूख जाएगा ना तो आप जितना भी पील से पील करें पिलर से तो वो पिलर मतलब पिलर पकड़ेगा ही नहीं और वो निकलेंगे ही नहीं, छिलका निकलेगा नहीं और बाकी का ये टूट जाएगा और ये पूरा बेकार हो जाएगा। पता नहीं मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मतलब पील नहीं होता तो मैं इसको अच्छे से यूज मतलब मेरा जैसे खराब ना जाए कुछ लॉस ना हो उसी के लिए मैं क्या करती हूँ उसको जिस दिन लेके आती हूँ उसी दिन पीलर से सारे छिलके पील कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, काट के एक टिफिन प्लास्टिक बॉक्स में या स्टील के बॉक्स में कोई भी बॉक्स हो आपकी मर्जी मतलब आपके घर में जो भी हो बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ। तो ये मैंने 4-6 दिन या 7 दिन तक जैसे कि तैसे फ्रेश ही रहता है, आप जब भी 1 हफ्ते के अंदर जब भी यूज करें वैसे कि फ्रेश ही रहेगा और ये सूखेंगे भी नहीं। और कुंदरू भी वैसे ही है, जैसे कि आप मार्केट से कुंदरू लेके आते हैं ऐसा नहीं कि आप अभी लेके आते हैं और मतलब अभी लेके आते हैं और अभी तुरंत ही बना लेते हैं, ऐसा तो मतलब कोई करता होगा लेकिन मैंने जो किया है कभी कभी लेके आती हूँ, जैसे कि अभी सब्जी इतना लेके आई कुंदरी तो उसको तो अभी मैं बनाऊंगी नहीं ना, तो उसको 2-3 रखूंगी 2 या 3 की बात छोड़ी, एक शाम भी अगर रह जाए ना कुंदरू तो वो पक जाते हैं, तो अगर कुंदरू पक जाएंगे तो वो तो खा नहीं पाएंगे हम लोग, खट्टा हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा वेस्ट हो गया। तो उस वजह से मैं क्या करती हूँ जब कुंदरू लेके आती हूँ घर पे जिस दिन लेके आती हूँ उसी दिन ही उसको अच्छे से धो लेती हूँ, धोने के बाद उसको आपको जैसे मतलब जैसे आप काट के सब्जी बनाते हैं उसी तरह काट के टिफिन बॉक्स में स्टोर कर लीजिएगा फ्रिज में, वो भी 1 हफ्ता या 10 दिन तक जैसे कि तैसे फ्रेश मतलब फ्रेश एकदम फ्रेश रहेगा और एकदम पकेंगे। ये था मेरा आज का किचन टिप्स, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज ये सब ट्राई करिएगा। और कच्चा पपैया जैसे ये पपैया वगैरह मैं नहीं काटती, और फूलगोभी को भी मैं जैसे लेके आती हूँ ना तो क्या करती हूँ उसके छोटे छोटे पीस मतलब धोती नहीं हूँ उसको, ऐसे ही उसकी डंडिया निकाल के उसको छोटे 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 जैसे बनाते हैं सब्जी वगैरह छोटे छोटे पीस करके काट के एक बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ, तो वो भी 1 हफ्ता 10 दिन तक जैसे कि तैसे फ्रेश रहता है। और जैसे कि अभी वो भी लेके आएंगे तो ऐसे ही स्टोर कर देंगे, शायद अगर उसमें कोई भी अगर एक भी छोटा सा या बड़ा सा अगर कीड़ा रह भी गया होगा तो वो कीड़ा आप फ्रिज के अंदर रखेंगे ना तो वही कीड़ा गोभी से निकलेगा फिर बाकी सब्जियों में भी ये करेगा, मतलब पूरा फ्रिज ही खराब होता है। तो उसी के लिए मैंने क्या करती हूँ धोती नहीं हूँ लेकिन अच्छे से देख के उसको काट के छोटे छोटे पीस करके उसको एक बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में, तो जैसे कि वैसे फ्रेश रहता है और आप 10 दिन के अंदर जब भी चाहे डायरेक्ट निकाल के धो के यूज कर सकते हैं। तो ये 3 शायद एक ही टाइप का सॉरी 3 हो या 1 हो जो भी हो मेरा था आज का ही किचन टिप्स, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मतलब ट्राई करिएगा।
भी खाऊंगी, मैं भी अभी कैसे करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं पहले ये सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे में इसमें पानी है थोड़ा, मतलब हल्के कपड़े से पोंछ लूंगी उसके बाद। मेरा सारा सब्जी कट हो गया है, ये फूलगोभी मैंने काट लिया है, ये तुरई मैंने काट लिया है और ये कुंदरू काट लिया है, और ये बाकी कच्चा पपैया बैंगन ये ऐसे ही रहेंगे, इसको काटना नहीं है। तो इसका मैं अभी सारे बॉक्सेस में कवर लगा दूंगी, कवर लगा के इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। फ्रेंड्स चलिए, मैंने अपनी सारी सब्जी जो है कट करके फ्रिज में स्टोर कर लिया है और मैंने आपको दिखा दिया है कैसे स्टोर करना है, और आप लोग भी कर सकते हैं ट्राई। और अब बज चुके हैं 7:30, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं, अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास उनको को लेके, उसकी थोड़ी सी जो पढ़ना लिखना बाकी था वो कोने में बैठ के कर चुकी है, वो कोना ही उसका जगह है, कोने से मतलब पढ़ाई के लिए वो कोने का जगह ही उसको चाहिए। हाँ, कोने का जगह चाहिए। तो उसका पढ़ाई भी थोड़ा सा हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज वाचिंग, और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी मम्मी जब वीडियोस बनाते उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जाए। सो सब्सक्राइब प्लीज, और फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।